सुल्तानपुर से सुल्तानपुर में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि सुल्तानपुर में 16 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हो रहा है, इसी में कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 2 से 3 बार सुल्तानपुर में इस कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने लगातार पहुँच रहे हैं। सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, सुल्तानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस में कार्यक्रम स्थल का औचक निरीक्षण किया। मंच पर जायजा लेने के दौरान कैमरा लगने वाले स्थानों पर दिया जिलाधिकारी रवीश गुप्ता को आदेश। एयर स्ट्रिप का जायजा लेकर व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखने की हिदायत दी थी। यह सुल्तानपुर से खबर थी। सुल्तानपुर में फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ। प्रधानमंत्री के आगमन के लिए जांच पड़ताल के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कहा। सुल्तानपुर से भोलू जहांगीर की रिपोर्ट। कल देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की बैकबोन कहे जाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश की 8 करोड़ जनमानस की विकास के लिए और यहां के उज्जवल भविष्य के लिए इस एक्सप्रेसवे की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। 19 महीनों के कोरोना कालखंड का यह समय अगर हम लोग देख लें, 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 36 महीनों के अंदर बनकर के तैयार हुआ है। रिकॉर्ड समय में प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पूर्वी क्षेत्र से जोड़ने के लिए इस एक्सप्रेसवे की एक बड़ी भूमिका होगी। कल अपराह्न में 1 बजे के बाद यह कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ होगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के प्रति प्रधानमंत्री जी की जो शुरू से रुचि रही है उस दिश से हम सब आभारी हैं कि जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी किया था और आज हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि नवंबर में प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से इस एक्सप्रेसवे का कल उद्घाटन होने जा रहा है। एक अद्भुत क्षण होगा और डबल इंजन की सरकार कैसे कार्य करती है उसका प्रमाण भी होगा और यूपी में भारत के ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है इसका भी ये प्रमाण होगा। इस दिन से कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी चीजें कल यहाँ पर देखने को कितना आपके लिए आप मानते हैं कि कितना बेहतर ये एक्सप्रेसवे है। देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जनपदों को जोड़ता है लखनऊ के बाद से और न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि बिहार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक